गुरुग्राम के स्कूल में छात्र प्रद्युमन की हत्या के मामले ने सरकार को सवालों के घेरे में ला ही दिया था कि अब यूपी के देवरिया में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल देवरिया के नेहरू नगर स्थित मॉडर्न सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में एक छात्रा की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। वहीं इस मौत के बाद से स्कूल के प्रिंसिपल फरार हैं। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को जान से मारने के इरादे से स्कूल की तीसरी मंजिल से धक्का दिया गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इसी विद्यालय में पढ़ती थी वो। 11:30 बजे हमें सूचना मिला कि उसको चोट लग गया है। कैसे चोट लगा ये पता नहीं चला। हम हॉस्पिटल में बोले कहाँ, तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती थी। वहाँ जाने के बाद से पता चला, चिल्ला रहे थे काफ़ी पापा चोट। हम पूछे गए तो लड़का मेरा, मैं तो ट्रीटमेंट में लगा हुआ था कि जल्दी ठीक हो जाए। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर से कि भाई इसको रिफ़र कर दिए, जनरल वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिए वो लोग गोरखपुर। हम सोचे कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, तब तक बीच में ही एक्सपायर कर गए। हाँ, वो बोल रहे थे कि मुझको पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। कि मैं ये चाहता हूँ कि इंक्वायरी हो, और जो जो आदमी अगर उसमें जो दोषी हो उसको सजा मिलना चाहिए। वही प्रिंसिपल मिथिलेश मिश्रा का कहना है कि छात्रा के छत से गिरते ही उसके परिजनों को फौरन सूचना दी गई थी, साथ ही उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। फिलहाल प्रिंसिपल फरार बताया जा रहा है। अपने अपने कक्षा में टीचर जा रहे थे, तभी जो है पीछे जो है बच्ची गिरी है। तत्काल बच्चे भी देखे हैं, अध्यापक भी देखे, दौड़ करके बच्ची को उठाए हैं और तत्काल उसको चिकित्सा के लिए सदर हॉस्पिटल हम लोग लेकर गए, और विद्यालय के दो बच्चों के साथ जो एक टीचर को भेजा गया उनके घर, जो देखे थे उनका घर तत्काल, चूँकि नज़दीक है टेलीफोन की जगह पर, तत्काल अध्यापक को भेजा गया, उनको अवगत कराया गया, और मैं वहाँ अध्यापक जो है लेकर के ट्रीटमेंट करा रहे थे। घटना करीब 11:00 बजे की है, जैसा कि यहाँ का प्रबंधन ने बताया है। पुलिस को इसकी सूचना करीब 3:45 बजे दी गई, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। लगातार स्कूली बच्चों के साथ हो रहे हादसे के चलते अब माँ बाप स्कूल पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं, वहीं सरकार भी चुप्पी साधे हुई है। गोरखपुर से मनोज कुमार की रिपोर्ट।